चमोली जिले के पोखरी में सरकार के एक साल नई मिसाल के अंतर्गत जन सेवा कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत और ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी के द्वारा किया गया। और सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं आम लोगों के लिए बनाई है वह बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक लाभ पहुँचाया जा रहा है। जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने कहा कि शिविर का उद्देश्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रत्येक योजनाओं के बारे में जानकारी देना और समस्याओं का समाधान करना है, जिनका निराकरण शिविर में किया गया है। और शिविर में स्वास्थ्य, पशुपालन, वन विभाग और भी अन्य विभागों की जानकारी दी गई है। इस दौरान बाल विकास के द्वारा 3 महिलाओं का महालक्ष्मी किट और मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी राजेंद्र विस्क के द्वारा 16 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्वास्थ्य शिविर में 400 लोगों का पंजीकरण किया गया, जिसमें हड्डी, नाक, कान, गला, नेत्र रोग की जाँच की गई और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे, ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी सहित तमाम लोग मौजूद थे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। कहना है कि सरकार द्वारा जो है एक साल के अंदर जो है बहुत सारी जो है जन कल्याणकारी योजनाएं जो है संचालित की गई हैं, जिससे जो है जनता को जो है जिसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिला है। और सरकार का जो एक साल उद्देश्य का कार्यक्रम है कि सरकार चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, जो योजनाएं हैं वो लाभार्थी और उपभोक्ता तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही है। सरकार के इस उपक्रम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मैं देख रहा हूँ दूर दूर से, बड़ी दूर दूर से लाभार्थी अभी आवास वाले, उज्ज्वला वाले और अन्य सहकारिता विभाग से और अन्य अन्य विभागों से जो लोग आ रखे थे उनकी वास्तविकता में सरकार की इस कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा लोग कर रहे हैं। सरकार का जो एक साल ये पूरा हुआ है इसमें जितनी भी बहुउद्देशीय सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसका जन जन को लाभ पहुंच रहा है और उस लाभ को पूर्ण करने के लिए सरकार ने ये कैंप हर ब्लॉकों में ये कैंप चलवाए हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सरकार की रीति नीति और सरकार के जो कार्य करने की प्रणाली है, जो भी लोगों के लिए सरकार ने योजनाएं लागू की हैं वो सारी जनता को पहुंच सके। इसके लिए इस समय ये ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया है सरकार द्वारा एक सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर। ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें यहाँ पर करीब 29 विभागों ने पार्टिसिपेट किया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 381 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है और अभी तक अभी मरीज आ ही रहे हैं।